नमस्कार भाइयों, आज हम आ पहुँचे हैं राजा भाई के पास। इनकी कंपनी में अभी यहाँ पे सेवा चल रही है, अभी ऐसी सेवाएं लोगों के लिए करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको काफी शानदार कृषि यंत्र दिखाएंगे, मामा भांजा की नई जोड़ी दिखाएंगे। और दोस्तों, इन्होंने आज एक बहुत बड़ा दावा भी कर दिया है जो आज इस वीडियो में करने वाले हैं, शायद आज तक किसी ने करा हो पूरे भारत में। तो चलिए देर न करके देखते हैं कि क्या करने वाले हैं आज ये भाई। राजा भाई, आपके खेत में आ चुके हैं हम अभी और बहुत अच्छा लगा सेवा देख के जो आप करते हैं। ठीक है, किसान भाई हमारे साथ भाई, सब भगवान श्री राम की कृपा है, मैं कुछ नहीं करता भाई साहब जी। किसान भाई हमारे साथ में है, झारखंड से आए हैं और भी किसान भाई अंदर मशीन देख रहे हैं अंदर जी। तो जो आपका मॉडल R709 हमारे साथ में खड़ा है, प्लेन फ्लैट सरफेस पे चला के देखना आज हमें, क्योंकि अंदर तो रफ सरफेस में चलता है, बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, पीछे फूलों की क्यारी भी आपने बनाई है इससे, तो हमें फ्लैट सरफेस पे चला के दिखाइए, जैसे कि गन्नों के बीच में जो होती है ना, वहाँ चला के दिखाइए मशीन। आज मैं आपको गन्ने में प्लेन सरफेस में जहाँ पे ईख अभी निकला ही है फार्म वाइयों का, वहाँ पे कैसे चलेगा वो आपको करके दिखाऊंगा। हमारे पास भी थोड़े बहुत पौधे लगे हुए हैं ईख के, और उसमें ना ये मैं बिल्कुल सीधी कली डालूंगा और उसमें कैसे चलेगा वो आपको करके दिखाऊंगा। आइए भाई साहब, आइए जी, बिल्कुल आइए भाई साहब, करके दिखाते हैं। देखिए भाई साहब, ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे ये गन्ना निकला है और जहाँ पे हम बिल्कुल कली लगाएंगे जी, और गन्ने का खुड नहीं बिल्कुल भी कटेगा। हाँ। और मशीन बिल्कुल सीधी चलेगी। अभी मैं आपको ना पहले इसमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में एक कली डालूंगा, फिर आपको मशीन चला के दिखाता हूँ जी। दोस्तों देखो, कली डाल रहे हैं भाइयों, जैसे कि आपने देखा इन्होंने चूने से जहाँ गन्ने हैं, गन्ने के बीच में इन्होंने लाइन खींच दी है। और क्या होता है कि खरपतवार आती है बाकी जगहों पे। देखो, फ्लैट सरफेस चलाने में मशीन टेढ़ी मेढ़ी जाती जाती है, वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा इधर उधर चल जाती है। आज क्या करके दिखाओगे, आपने क्यों लगा दिया चूना? अरे भाई साहब, मेन जो प्रॉब्लम आती है ना फार्मर को जी, जैसे ये मैं आपको डिस्टेंस दिखाना चाहता हूँ जी, बिल्कुल बहुत कम है, तो मात्र 18 इंच का, 18 इंच है बिल्कुल। क्या होता है 18 इंच में बिल्कुल मशीन को सीधा चलना चाहिए। हाँ। और अगर सीधा नहीं चलेगा ना, ये गन्ने जहाँ से कट जाएगा, हाँ, बच्चे आ रहे हैं जो कट जाएगा जी, तो फार्मर के पास कुछ पैदा ही नहीं होगा जी, जी। और देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तकरीबन 34 इंच का है जी। देखिए 34 इंच में कोई भी मशीन कार्य कर सकती है जी, मेन चैलेंज आता है 18 इंच में जी। 34 इंच में भी क्या होता है, कई बार अगर हल्की सी मशीन नहीं जहाँ से टेढ़ी मेढ़ी हुई जी, तो गन्ने ने कट जाना है जी। आज मैं आपको अपनी मशीन में एक हमने ऐसे ब्लेड तैयार किए हैं जो 18 इंच में या कितनी इंच में बिल्कुल सीधी चलेगी और गन्ना बिल्कुल भी नहीं कटेगा जी। राजा भाई, मैंने अपने ताऊ के लड़कों को देखा है। हाँ। वो गर्मी में पसीने में लथपथ बैल लेके चलते रहते हैं, हल जोतते हैं खरपतवार निकालने के लिए गन्ने से। अगर आपने आज करके दिखा दिया ना, मैं आपकी तकनीक को आज मान जाऊंगा। पहले नहीं मानते थे हमें क्या, आज बिल्कुल मान जाऊं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मतलब वरदान हो जाएगा किसान भाइयों के लिए। मतलब पहले डर था कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, गन्ना कट ना जाए, अगर आपने बिल्कुल बिना सिमेट्री में चला दिया, जैसे आप चूने के बीच में चला दी मशीन बिल्कुल ठीक ठाक, वो भी एक टैग में, तो मैं मान जाऊंगा। अरे भाई साहब, मैं चैलेंज हमेशा एक्सेप्ट करता हूं। आपने बोला है ना कि ऐसे टेढ़े मेढ़े, आज मैं एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो बिल्कुल सीधी चलेगी और बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी भाई साहब, और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए 18 इंच में चल रहा है और ये है गन्ने के मुठ जो बिल्कुल भी कटेंगे नहीं है और बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं करेगा। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये गन्ने का मुठ है, ये देखिए, और जहाँ से जो डिस्टेंस है मात्र 18 इंच है। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये होती है सही चलाओ, ये देखिए, ये अभी हमने पहले गियर में चलाया था, अभी इसमें हम दूसरे गियर में चला के दिखाएंगे, इसकी ताकत दिखाते हैं और किस तरीके से चला चलेगा वो। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर दिखाइए, ये है गन्ने का मुख, ये देखिए, उधर भी दिखाइए, जो जड़ से निकालेगा। ये देखिए भाई,
भाई राजा भाई ने जो कहा वो करके दिखा दिया, जुताई करके दिखा दी बीच में। कैसे खबर को निकाला ये देखिए भाई मेरे फार्मर, और प्लेन सरफेस पे चला के दिखाया, ये रहा गन्ने का मूठ, ये रहा जी, और ये रहा पास में, और ये खड़े हैं। नहीं क्या होता है अगर वाइब्रेशन करते हैं इधर उधर भागते हैं मशीन, तो ये गन्ने के ये मूठ होते हैं कट जाते हैं, तो फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और बिल्कुल सीधा चला है, कोई भी कंधों के ये दबाव नहीं पड़ा, क्योंकि पीछे हमने शॉकर लगा दिया है, और यही हमारी टेक्नोलॉजी है जी। मैं मानता हूँ मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगे होंगे सारों करने में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा जो ब्लेड हम देख रहे हैं आपके लगे हुए, बिल्कुल नया डिजाइन जी ब्लेड का, ये किस चीज से बना है? अरे भाई साहब ये वाले जो ब्लेड है ना हमने स्पेशल प्लाज्मा से डिजाइन करवाए हैं। प्लाज्मा एक बहुत बड़ी मशीन होती है, कई हमारे जो इंजीनियर है उनको तो समझ में आ रही होगी, ये प्लाज्मा के साथ प्रॉपर इसकी कटिंग की है, डिजाइन भी प्लाज्मा के तहत ही इसको डिजाइन किया जी, तभी ये हम सक्सेस हुए हैं भाई साहब। और ये मजबूत भी काफी, अरे भाई साहब ये खराब ही नहीं होगे, क्योंकि इसमें ईएनए 90 का स्टील का मटेरियल यूज किया गया है भाई साहब। अच्छा जैसे ये फ्लैट सरफेस के लिए अपने बनाए हैं, और कहाँ कहाँ चल सकते हैं? अरे भाई साहब कहीं भी चला सकते हैं, प्लेन सरफेस में भी चला सकते हैं, जैसे ये प्लेन सरफेस जहाँ पे भी आपको चला के दिखाता हूँ इसकी ताकत। बिल्कुल ये देखिए भाई साहब पूरी खरपतवार का निशान खत्म होता हुआ, ये देखिए भाई साहब, भाई वाह बड़ा आराम से गुड़ाई कर रहा है। तो जी गन्ने के लिए तो हो गया 18 इंच वाला, अब बड़े खेत में अगर करना। अरे भाई साहब वो रोटावेटर किस लिए का? एक्चुअली ये भी रोटावेटर 18 इंच से लेके 4 फीट में चल जाता है जी। अगर 18 इंच में फार्मर चाहते हैं कि बिल्कुल सीधा चलाए, जो हमने प्लाज्मा के तहत ब्लेड डिजाइन की है, तो फार्मर भाई वो ले सकते हैं भाई साहब। जी जी जी, अब बड़े वाले रोटावेटर लगा दिए उन्होंने ब्लेड, और इससे जो देखेंगे अब ये देखिए भाई साहब कितना खपतवार हुआ है, और किस तरीके से निकालते हुई जा रही है, ये देखिए हाँ कंकर भी है, ये देखिए दोस्तों पत्थर तो बाहर निकाल दिए हैं। दोस्तों देखो खरपतवार कितनी सारी थी, सब निकाल के बाहर, जड़ समेत निकाल के बाहर फेंक दिए, ये देखिए भाई साहब ये देखिए। ये देखिए भाई वाह, इतना कंकर मट्टी है वो फिर भी भ्रष्ट नहीं हो रहा था, तो इसमें क्या ऐसा चीज बनाया है? अरे भाई साहब इसमें हमने ये शॉकर लगा दिया है, जिसके कारण बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रही थी। ये जैसे आप झारखंड में आए वहां पे भी कंकर है, आपको भी कोई वाइब्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, ये सिर्फ ये शॉकर का ही कमाल है भाई साहब। वैसा भी वहां पे कंकर ज्यादा करते होता है, तो आपको तो कोई दिक्कत आने वाले ही नहीं है, इसलिए तो अब जो सभी फार्मर जो भी है हमारी ये शॉकर वाली ही मशीनें लेने लग गए हैं भाई साहब। नहीं शोकर तो राजा भाई अब आपके सारे मॉडलों में आ रहा है, जी, देखा जी, है मैंने, और कामयाब है शोकर। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल जी, जी, जी। मामा ने तो कमाल कर दिया, मामा जी को पास करते हैं हम भी, और किसान भाई हमारे साथ में हैं, किसान भाई हमारे साथ में है भाई, मजा आया देख के, संतुष्ट होना तुम। 18 इंच में जो प्लाज्मा वाले ब्लेड है उसने भी कमाल करा, और जो इनके नॉर्मल ब्लेड है उन्होंने भी कमाल कर दिया, मजा आ गया जी। टोटल गिफ्टियां हैं जी जी, पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी रिव्यू टोटल ये देखिए गिट्टियां हैं जी, देखो जी ये पत्थर है गिट्टियां, बिल्कुल जी बिल्कुल पत्थर था इसके अंदर जी, सब बाहर निकाल दिया है। नहीं आपने भाई साहब इसको मामा क्यों बोला है ये तो बता दीजिए। देखो मैंने जब आपसे बात हो रही थी, ये तो मामा है और भांजा पल्ले वाले खेत में खड़ा है आपका, कौन सा भांजा? रीपर इसमें लगाया आपको कैसे पता चला? अरे हमारी नजर है आज थोड़ी है अभी आपका भी कमाल दिखाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आइए भाई साहब आइए, ये हमारा पहला ऐसा रीपर है जिसमें हमने क्रॉस लगा दिया है, बिल्कुल अब कोई इसमें चेन का झंझट ही खत्म हो गया, ना ही लाइनमेंट आउट होगी, ना ही फार्मर भाई को कोई दिक्कत आने वाली है, और साथ में हमने इसमें डबल फिड़की का काम किया, ताकि गिरा हुआ गेहूँ और धान जो गिर गया है बरसात के कारण मेरे फार्मर भाइयों का, वो भी प्रॉपर काट देगा, और मात्र 1 इंच से ये काटता हुआ जा रहा है बड़ी आसानी से, और कितनी स्पीड में लगा ये देखिए दोस्तों, देखो कितने प्यार से बिल्कुल मक्खन की तरह,
भाई राजा भाई भांजे ने कमाल कर दिया। अरे भांजा क्या कर दिया आपने? अब भांजा रीपर कमाल कर कोई दिया। ना कोई नाम ले नहीं दे देखो जो चीज प्रैक्टिकल है जो जायज है उसे जायज बोलने में कोई गलत बात नहीं है। शुक्रिया। वाकई में ही मजा आया। अभी तो देखो हरी पड़ी है, हरी जैसे आपने काट दी है तो गौशाला में जाएगी शायद आपको, है ना? ये तो डेमो दिखाने के लिए काटनी पड़ गई, ठीक है ना? बाकी आप दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल जमीन से मिला दी बिल्कुल भाई, मजा आ गया। मतलब भाई साहब ये डबल फिरकी का लगाने का ही ये मतलब था कि अगर बिल्कुल नीचे से काटे मात्र, अगर ज्यादा हाइट से काटेगा ना तो जो भूसा होता है जो पशुओं को खिलाने के लिए वो प्रॉपर नहीं बनेगा। इसलिए हमने इसमें डबल फिरकी का प्रयोग किया है। मैं फार्म भाइयों से फिर बेनती करूंगा, कोई भी रिपर फार्म भाई लेते हैं वो डबल फिरकी का ही लीजिए, कहीं से भी लिए सिंगल फिरकी का उनको लेना ही नहीं चाहिए। देखो अगर बात उसकी है ना, कंबाइन टक्कर दिया आपकी मशीन में, और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ एक अटैचमेंट है। मामा जी हैं ये, ठीक है, इनके साथ भांजे का जो कॉम्बो है धूम मचा रहा है। अरे है ना? शुक्रिया 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 जी जी जी। अरे भाई साहब मैं देखिए डबल फिरकी लगाने का मतलब ये था, एक तो नहीं प्रॉपर नीचे से 1.5 इंच से काटेगा, और अगर फार्मर भाई की फसल गिर गई है तो वो भी उसको प्रॉपर काट देगा। मैं फार्मर भाइयों को एक यही समझाना चाहता हूँ कि सिंगल फिरकी का जो सिंगल पल्ला होता है वो तो रिपर कहीं से खरीदना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फार्मर भाई के पैसे ही खराब हो जाए। कहीं से भी लीजिए, डबल फिरकी वाला लीजिए, और जिसमें पीटीओ में क्रॉस लगाओ वो ही लीजिए, ताकि फार्मर भाई की जब कार्य करें उसमें लाइनमेंट ना आउट हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब फटाफट इन्हें कीमत बता दो कम शब्दों में। देखिए भाई साहब जो हमारा R709 है ये सेल्फ स्टार्ट जो पड़ेगा वो 70,000 का है, 20,000 का सब्सिडी काट के ये मात्र 50,000 का देंगे, उसमें बैटरी इंक्लूड नहीं होती। अगर फार्म भाई ने बिना सेल्फ का लेना है तो वो 48,000 का आएगा। इसमें क्या रहेगा, ये साथ में रबड़ के टायर, इसके ऊपर भाई साहब फेंडर भी आते हैं, ये अभी हमने निकाल के रखे हुए, इसके ऊपर प्रॉपर फेंडर लगे होते हैं। ये 32 ब्लेड की रोटरी, साथ में फार्मर भाई 4,000 रुपये की कोई भी अटैचमेंट है ये ले सकता है। अगर फार्मर भाई ने ये हमारा रिपर लेना है इसका जो प्राइस रहेगा मात्र 45,000 रुपया रहेगा, और जो डिलीवरी है घर तक बिल्कुल फ्री दी जाएगी, डिलीवरी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर फार्मर भाई हमारी कंपनी से मशीन लेना चाहते हैं तो फार्मर भाई हमारी कंपनी में लुधियाना मलेरकोटला रोड पे आ सकते हैं। अगर फार्मर भाई किसी स्टेट से आ रहे हैं पहले लुधियाना रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, लुधियाना रेलवे स्टेशन के जाने के बाद वहाँ से बस स्टैंड पे चले जाएं, वहाँ पे मलेरकोटला की बस पकड़ लें, वह मलेरकोटला की बस पकड़ के कुप का टिकट ले लें। कुप से मात्र हमारी 3 किलोमीटर मेन हाईवे पे ही हमारी कंपनी है, जहाँ पे लाइव डेमो करके दिखा दिया जाएगा। जो फार्म भाई ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं उनको हम कंपनी का करंट अकाउंट दे रहे होंगे। अगर क्या अकेला R709 लेना है तो मात्र 2,000 डलवाना है, अगर दोनों का कंबो पैक लेना है तो 5,000 रुपया डलवाना है, और हम मशीन डिस्पैच कर देंगे। जब मशीन उनके कोरियर ऑफिस में पहुंच गया उनके राज्य में, तब बाकी का पैसा उसी अकाउंट में या फोन पे गूगल पे कर देना है। मशीन की डिलीवरी बिल्कुल फ्री की जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जो मामा भांजा का कॉम्बो पैक है वो कितने का हुआ फिर? ये भाई साहब मात्र हो गया 95,000 रुपये का, सेल्फ स्टार्ट मामा भांजा 95,000 का, जिसमें ये सारा कुछ इंक्लूड रहेगा भाई साहब। और जो प्लाज्मा वाले जो ब्लेड आज जिन्होंने धूम मचाई है उनका क्या रेट है? इनका जो भाई साहब फार्म भाई लेना चाहते हैं इनका जो प्राइस है मात्र 4,000 रुपया अलग से देना पड़ेगा फार्म भाई को, 4,000 रुपये। जी जी जी। तो जो आपने हमें कॉम्बो पैक का रेट बताया है, अगर हम उसमें कुछ डिस्काउंट चाहे अपने किसान भाइयों के लिए, साथ में आए भी हुए किसान भाई, ठीक है ना, सब डिस्काउंट चाहते हैं, चाहिए ना डिस्काउंट, चाहिए ना, तो क्या 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 दोगे डिस्काउंट थोड़ा आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैंने आज तक किसी को निराश नहीं किया और निराश करूंगा भी नहीं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? ये जो ब्लेड है आपके प्लाज्मा वाले ये फ्री कर दो। अरे आपने बोल दिया ये प्लाज्मा कम्बो पैक में ये प्लाज्मा वाले ब्लेड फ्री दे दूंगा, और आज तक कभी नहीं आपने बोल दिया, तो जो भी हमें ये कॉम्बो पैक लेगा और आपकी वीडियो का प्रॉपर ये स्क्रीनशॉट भेजेगा मामा भांजे वाली वीडियो का, उसको जो हम प्लाज्मा वाले ब्लेड भी फ्री दे देंगे भाई। तो राजा भाई जैसे मशीन चलती है खेत में, ठीक है, जैसे रीपर आपका तक कमाल का चल रहा है, मान लो कुछ गर्म होकर टूट गया, फूट गया। अरे पहली बात तो गर्म होकर हमारी मशीन ने टूटती ही नहीं है, क्योंकि ये टर्बो का इंजन लगा हुआ है और इसमें गर्म होने की कोई संभावना ही नहीं है। 1 साल की पूरी गारंटी देता हूँ, वारंटी देता ही नहीं हूँ। अरे भाई हर स्टेट में 3-3, 4-4 इंजीनियर है, उनको हम सैलरी किस लिए देते हैं? अरे 50,000 रुपया कंपनी सैलरी देती है, वो ऐसे थोड़ी देती है, उनको सोने के लिए दे ही देती है। अगर मेरे फार्मर भाई की कहीं भी कोई मशीन खराब हो जाएगी पहले तो मेरे फार्मर भाई को हमारे इंजीनियर वीडियो कॉल करेंगे, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हमारा जो इंजीनियर है उस स्टेट का वहाँ पे उनके घर पे जाके प्रॉपर करके जाएगा। हाँ एक शर्त है,
अगर मेरा इंजीनियर आएगा भाई, उसको खाना आपको खिलाना पड़ेगा, उसकी रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी जी। ए, अगर बस से आ रहा है, बस स्टैंड से उसको अपने घर पे अपने मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे लेके आना पड़ेगा, जे आपको काम करना पड़ेगा, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी की। राजा भाई, ये कोई कहने की चीज नहीं, किसान का दिल बहुत बड़ा है, कोई भी जाता नॉर्मल स्ट्रेंजर भी जाता ना, उसको खिला के भेजते हैं भाई साहब। एक जगह पे हमारे इंजीनियर गए थे, मेहता जी मेरे ध्यान में आ रहा है, वहाँ पे वो घर उनका बस स्टैंड से उनका गाँव 7-8 किलोमीटर था, उस बेचारे को इंजीनियर को कन्वेंस नहीं मिली, उसको पैदल जाना पड़ा। मैं चाहता हूँ मेरे जो इंजीनियर है उनको भी परेशानी ना आए, भी फार्मर मेरे इंजीनियर का सहयोग करेंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल जी, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल जी, जी। तो भाइयों, राजा भाई ने धूम मचाई, तहलका मचा दिया वीडियो में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।